The Modi government reduced oxygen beds by 36%, ICU beds by 46%, and ventilator beds by 28% between September 2020 and January 2021. कोरोना की दूसरी लहर को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और एक के बाद एक तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस भी काफी हमले मोदी सरकार पर कर चुकी है और दूसरी लहर में जो मौतें हुई हैं, जिस तरह से इजाफा हुआ और जिस तरह से लोगों को इस दूसरी लहर के दौरान दवाई से लेकर बेड्स तक के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लोग कतार में खड़े रहे और लोगों को बेड नसीब नहीं हुआ, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। और अब एक बार फिर से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोला है और इस बार बाकायदा आंकड़ों के जरिए यह हमला मोदी सरकार पर बोला गया है। मोदी गवर्नमेंट रिड्यूस ऑक्सीजन बेड्स बाय 36%, आईसीयू बेड्स बाय 46% एंड वेंटिलेटर बेड्स बाय 28% बिटवीन सितंबर 2020 एंड जनवरी 2021। एवरी एक्सपर्ट हैड वॉर्न्ड दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ सेकंड वेव। व्हेन दे केम इनटू पावर दे कट द हेल्थ बजट बाय 20%। They promised AIIMS all over the place. They promised district facilities to be upgraded, and they did nothing. Instead, the Central Vista project, declared an essential service, is on its way, with people working day in and day out to complete it by 2023. Is the health of Indian citizens less important than the Central Vista project? प्रियंका गांधी की तरफ से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ये सवाल पूछा गया कि सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक आखिर क्यों मोदी सरकार ने तीन स्तर पर संसाधनों को कम किया। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया और आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार ने आखिर ऑक्सीजन जो बेड है उन्हें 36% तक घटाया, ऐसा क्यों किया गया। दूसरा सवाल पूछा गया, आईसीयू बेड की संख्या को 46% घटाया गया, ऐसा क्यों किया गया। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि वेंटिलेटर बेड की संख्या को 28% घटाया गया, आखिर ऐसा क्यों किया। और इसके आगे ये सवाल पूछा कि जब एक्सपर्ट्स ने केंद्र सरकार को ये वार्न कर दिया था कि बहुत जल्द दूसरी वेव आएगी जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में आई और वहां पर इस महामारी ने कोहराम मचाया, तो आखिर इस वार्निंग के बाद, इस चेतावनी के बावजूद क्यों केंद्र सरकार की तरफ से ये तमाम संसाधन, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू बेड हो, वेंटिलेटर, इन्हें बढ़ाने के बजाय इन्हें कम किया गया। अब जो मौतें हुई हैं दूसरी वेव में, फिर आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल प्रियंका गांधी की तरफ से पूछा गया। आपको बता दें कि दूसरी वेव जिसकी शुरुआत फरवरी महीने में हुई और इस वेव में मई महीने तक आते आते मामले रोजाना 4 लाख को भी क्रॉस कर गए और कुल मौतें दूसरी वेव में 1.5 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की हुई है। अब इन मौतों को लेकर और मामलों में जो इजाफा हुआ, इसे लेकर ये बड़ा आरोप आंकड़ों के जरिए कांग्रेस महासचिव की तरफ से लगाया गया है। देखना होगा कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। ताजा खबरों को जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें खबर हिंदुस्तान।